हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएन सूर्या गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीटअप ग्लूवाल आप कैसे मार सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अगर आप लोग को सीटअप ग्लूवाल मारने में थोड़ी भी परेशानी होती होगी तो ये वीडियो आप लोग देख लेना। मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपका 100% सीटअप ग्लूवाल लगना चालू हो जाएगा। और आपको थोड़ा बहुत सीटअप ग्लूवाल लगाना आता भी है मगर प्रोफेशनल की तरह नहीं लगा पाते तो बस ये वीडियो देख लो, आपको 100% पूरी तरह से सीटअप ग्लूवाल लगाना आ जाएगा। तो इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो नहीं देखिए वो मूवमेंट स्पीड कैसे बढ़ाए तो जाकर आप लोग मूवमेंट स्पीड वाले वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा ताकि आपका मूवमेंट स्पीड तेज़ हो जाए, उससे ज़्यादा आपका सीटअप ग्लूवाल बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगने वाला है। तो मूवमेंट स्पीड वाले वीडियो देख लेना तो आप गेम प्ले मेरा देख ही सकते हो मैं कैसे सीटअप ग्लूवाल कितने ओपी तरह से लगा पा रहा हूँ। तो बस मैं आपको सिंपल से कुछ स्टेप बताऊँगा, बस वो स्टेप अच्छी तरह फॉलो कर लेना। अगर आपने वो स्टेप अच्छी तरह फॉलो कर लिया तो 100% पक्का कि आप लोग सीटअप ग्लूवाल आराम से लगा पाओगे, क्योंकि सीटअप ग्लूवाल नहीं लगा पाओगे तो शॉर्ट फाइट में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीटअप ग्लूवाल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फाइट के लिए। अगर आप शॉर्ट गन चलाते हो तो सीटअप ग्लूवाल नहीं मार पाओगे तो इनेमी आपको आराम से मार देगा, क्योंकि ग्लूवाल थोड़ा भी दूर लगा तो उधर उतने में तो शॉर्ट गन का हेड आराम से पड़ जाएगा। तो जितना हो सके उतना आप लोग ट्राई करना सीटअप ग्लूवाल लगाने का। अगर आप लोगों को नहीं आता तो ये वीडियो आप लोग देख लो, आपको 100% सीटअप ग्लूवाल लगाना आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, पर्सनली यूज़ करता हूँ। और मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, तो बस ऐसे ही मैं छोटा से सीखते सीखते आया हूँ। तो आप लोगों को बहुत सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बस आप लोग ये फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह फॉलो कर लिया, बहुत अच्छी तरह नहीं मगर आप लोग फॉलो कर लिए तो आपको 100% सीटअप ग्लूवाल लगा पा रहोगे। जैसे आप देख ही सकते हो मैं आराम से सीटअप ग्लूवाल लगा पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को सीटअप ग्लूवाल लगाते हुए आपको अपने आप को घेरना कैसे ये भी नहीं आता तो बस मेरे को वीडियो बता देना, मैं आपको वो भी वीडियो बना दूंगा कि आपको सीटअप ग्लूवाल बनाते वक्त अपने आप को ग्लूवाल में घेरना कैसे है। तो बहुत ही ओपी वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो अगर आप लोगों को शॉट गन से हेड शॉट मारकर सीटअप ग्लूवाल करना नहीं आता तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो जाकर आप लोगों ने वो वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पर रेड कर दे रहा हूँ। बहुत ही ओपी हेड शॉट मैं सिंपल तरीके लाता हूँ, सबसे सिंपल तरीके। तो इससे पहले चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा पहला स्टेप में आपको क्या करना है, तो आपको दौड़ना है और दौड़ने के बाद आपको जंप करते से पहले गन लेना है और जंप करना है, और जंप करते वक्त आपको इनिमी पे एम करना है। तो आप क्या करना है, तो आपको दौड़ना है, गन लेना है और जंप करते वक्त आपको इनिमी पे एम करना है, बस इतना ही सिंपल तरीका है हमारा पहला स्टेप। तो मैं स्टेप वाइज आपको बताते जाऊँगा और आपको उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करना है मैं ये भी बताऊँगा, तो आप लोग वैसे ही देख लें। तो जब आप लोग पहला स्टेप अच्छे से फॉलो करने लगे, आपको समझ जाना कि आप लोग ये समझ गए हो बहुत बढ़िया तरह, तब वरना आप हमारे दूसरे स्टेप की हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको चीज़ बताऊंगा एक चीज़ ऐड करने का, तो अब जो हमारा ऐड करने वाला चीज़ है वो है हमारा फायरिंग। तो आपको सेम टू सेम पहला स्टेप फॉलो करना है, आपको ऐड जो करना है वो फायरिंग करना है। तो आप देख ही सकते हो मैं ओपी तरीके से आप फायरिंग कर रहा हूँ, तो बस ऐसे ही आपको पहला स्टेप में आपको एक फायरिंग ऐड कर देना है, आपको दौड़ना है उसके बाद फायरिंग ऐड करना है, बस इतना ही सिंपल। तो जब आप फायरिंग ऐड कर दोगे तो हमारा पहला एंड दूसरा स्टेप कम्प्लीट हो जाएगा, तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपने पहला और दूसरा स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आप सीटअप ग्लूवाल कभी मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा तीसरा स्टेप होने वाला है जो पहला और दूसरा स्टेप को मिलकर ही बनने वाला है। तो आपको जितना हो सके उतना ट्राई करना, जल्दी से जल्दी आप लोग सीख लो, टाइम लगेगा ऐसा नहीं मैं बता दूंगा और आप लोग करने लगोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मगर कोई बात नहीं, सीखना है तो थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो जब आप लोग 1-2 स्टेप फॉलो करना तब आप हमारा तीसरा स्टेप फॉलो करना, तो तीसरा स्टेप हमारा बहुत ही ओपी होने वाला है। तो तीसरा स्टेप में आपको बस ही छोटा सा चीज़ ऐड करना है, और जो हमारे जो ऐड करने वाला चीज़ है वो फायर करो तो आपको बैठना है। सिंपल से आपको क्या करना है, फायर जब आप लोग कर लो तो आप सिंपल से आपको बैठने वाले पे क्लिक कर देना है। तो तीसरा स्टेप हमारा यही होने वाला है, आपको दौड़ना है और दौड़ते वक्त आपको जंप करते वक्त गन लेना है, इनिमी पे एम करना है और आपको बैठना है। अगर जब आप लोगों ने ये कर लिया तो बहुत ही ओपी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा स्टेप अच्छे से और तीसरा स्टेप कर लिया तो हमारा बहुत ही ओपी स्टेप जो होने वाला है वो हमारा चौथा स्टेप होने वाला है। तो बस आप लोग पहला दूसरा और तीसरा स्टेप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को भी बहुत दिन लग गया ऐसा सीखने में, तो आप भी प्रैक्टिस करना, जब पहला दूसरा स्टेप आपको होने लगे तभी आप तीसरा स्टेप के पास बढ़ना, और तीसरा स्टेप आपको होने लगे तभी आप चौथे स्टेप के पास बढ़ना। तो आप तीसरा स्टेप तो कंप्लीट कर लोगे तो चौथा स्टेप आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। तो चौथा स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको एक सिंपल सी चीज़ ऐड कर देनी है, और वो हमारा सिंपल सा चीज़ होने वाला है, वो होने वाला है हमारा ग्लूवाल। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से आपको
पहला दूसरा तीसरा स्टेप फॉलो करते करते आपको एक ग्लूवा लेट कर देना है, बैठते समय आपको एक ग्लूवा ले लेना है, बस इतना स्टेप फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने इतना स्टेप फॉलो किया तो आपको सीटअप ग्लूवा आराम से लगने लगेगा। तो आप पहला स्टेप फॉलो करना, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और जब आप लास्ट में जाना तो बैठते वक्त आपको हाथ में ग्लूवा ले लेना है, जब आप सीटिंग पर बटन पर दाबो तो आपको हाथ में ग्लूवा पे ही दाबना है। और अगर आप लोगों ने ये सब अच्छे से करने लगे तो आपको ग्लूवा लगाना है। तो आप ग्लूवा कैसे लगाना है, तो आप लेफ्ट फाइट बटन से भी लगा सकते हो, राइट फाइट बटन से भी लगा सकते हो, आपको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा वैसे ही लगा सकते हो। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है लेफ्ट फायर बटन से, तो मैं लेफ्ट फायर बटन से लगा रहा हूँ। अगर आपको कस्टम हुड में भी प्रॉब्लम है तो बताना, मैं आपको के लिए कस्टम हुड वाली वीडियो बना दूंगा। तो मैंने कस्टम हुड वाले इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, कस्टम हुड चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने कस्टम हुड वाले वीडियो नहीं बनाई। तो अगर आप लोगों को कस्टम हुड पे भी वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बना दूंगा बहुत ही ओपी वाला वीडियो। तो आप देख ही सकते हो वीडियो में मैं कितनी ओपी तरह सीटअप ग्लूवा लगा रहा हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना, आप भी लगा पाओगे। तो आपको क्या ही करना है, पहला स्टेप में आपको मैंने बता ही दिया, आपको पहला स्टेप में क्या करना है तो दौड़ना है, और दौड़ने के बाद आपको गन लेना है, और गन लेते ही आपको जंप करना है, और जंप करते वक्त आपको इनेमी पे एम करना है, और एम करते वक्त आपको फायर करना है, और फायर करते ही आपको नीचे सीट वाले बटन पर क्लिक करते ही ग्लूवाल पर क्लिक करके ग्लूवाल दबा देना है। बस इतना ही ओपी होने वाला है और आप आराम से ग्लूवाल मार पाते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई गमी हो तो मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा और बना दूंगा। और किसी नए चीज़ पर वीडियो चाहिए तो मेरे पे कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर भी दो अभी।